नमस्कार, मैं रोशन राठौड़ आवाज़ न्यूज़ 24 से। सरकार जहां सफाई व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर वादे और इरादे करती है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर पुंगल में ये व्यवस्थाएं बिल्कुल विपरीत हैं। गंदगी का आलम इस कदर है कि ग्रामीण बहुत परेशान हैं और बार बार गुहार लगाने के बाद भी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंदगी है, वो नगर पालिका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। दुकानदार है वो पूरी तरीके से नगर निगम वाले कोई प्रशासन, और यहाँ जो यात्री आते हैं मेन बस स्टैंड है ये पुगल फाटा बीकानेर, यहाँ उनको भी काफी परेशानी। भैया आपको कितनी परेशानी होती है कीचड़ से? आप क्या कुछ जगह नगर पालिका क्या कुछ जाते हैं? इनको छोड़ो, कोई साधन नहीं है यार। बाथरूम का लिखित में दिया बाथरूम का, लेकिन अभी तक बाथरूम का लेडीज जेंट्स को कोई साधन नहीं है यहाँ पे। दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और ना ही कोई यहाँ सफाई होता नहीं। प्रशासन को लिख के दिया हुआ है नीलामी वाले दिन, और यहाँ स्टैंड वाले सब ने लिख के दिया हुआ है। प्रशासन नगर निगम को कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी है तो यहाँ नीचे वाली जिले फोटो गंदगी यहाँ आलम दिख रहा है। कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है बस स्टैंड पे पानी की और बाथरूम की। पानी का हमें व्यवस्था कर रखा है, ये यहाँ देखा फोटो पानी की व्यवस्था, यहाँ यात्रियों को हम पिलाते हैं, ये व्यवस्था कर रखी है। और बाकी यहाँ बहुत मुश्किल है। क्या कुछ यहाँ क्या सुविधा है? नगर निगम के कोई सुविधा नहीं है, यहाँ सफाई भी नहीं होती है पूरी। बाकी तो सुविधा छोड़ो, यहाँ पे सफाई वगैरह कोई नहीं आते हैं। ये पड़ी है गंदगी, दिखाओ नीचे की खा रहा है इनको। पीछे गंदगी इतनी पड़ी है कोई आती नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है लेडीज के लिए बिल्कुल। हेलो, बड़ी प्रॉब्लम है। बाथरूम करना हो तो कोई साधन नहीं है यहाँ। आपने बाथरूम के लिए अभी आवाज़ उठाई थी क्या? हमने लिख के दिया हुआ है नीलामी वाले दिन, 1.5 साल हो गए लगभग, और उससे पहले 2-2.5 साल पहले यहाँ स्टैंड वालों ने ठेले वालों ने लिख के दिया हुआ है खूब सारा। कोई सुनवाई नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे अंधेरा रहता है रात को, यात्री चाहे नुकसान हो, और यहाँ असामाजिक तत्व घूमता रहता है। कितनी भीड़ रहती है? भीड़ है, फुल है। फोटो में दिखाओ आपकी, इनको दुनिया भर की भीड़ रहती है। भीड़ में हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं। दुनिया भर की भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है फुल। और बीकानेर में सबसे ज़्यादा भीड़ का आलम यही है। और एक ये भीख मांगने वाले यहाँ जनता को परेशान करते, वो भीख वाले फोटो दे भीख मांगने वाले 10-15 मेंबर यहाँ पर आने को फोन करते हैं कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। पुलिस वाले को मेरे पास नंबर भीड़ है, फोन थाने पर करते हैं गंदगी यहाँ, ये मांगने वाले परेशान करते हैं यात्रियों को, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। हाँ, समाज के तौर पर बसों में चोरियाँ सामान गायब होते हैं। यहाँ पे लोगों की व्यवस्था बैठने की सुविधा, ये सब कहीं बैठने की ये गंदगी यहाँ पे पड़ जाती है, गादा होता है, बारिश आती है, गंदगी यहाँ पे ही रहती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। झाड़ू लेते हैं वहाँ से, बांटते हैं, रवन हो जाते हैं, जाते हैं हर महीने यहाँ 200 रुपये ले जाते हैं, कोई फोन नहीं करता। यहाँ नेता लोग सब आते हैं, यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता यहाँ से गुजरता है, रोड पे हाईवे रोड आती है ये, फिर भी यहाँ पे कोई लोगों को कोई मतलब नहीं है। आते हैं यहाँ पे, ये होगा वो होगा करके जाते हैं, लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि गहलोत सरकार है वो सफाई बड़े बड़े वादे कर लिए, तो वादे इतनी बड़ी जगह कहीं बह जाते हैं, वहाँ पे वादे कर जूनागढ़ जात को नहीं वहाँ पे करते, ताकि वहाँ पे लोगों को दिखे कनेक्शन नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ लोग बड़े वी आई पी लोग रहते हैं ना, उनके एरियो में, मोहल्ले में, गलियों में, वहाँ पे आते हैं, यहाँ में झाड़ू देते हैं, दो आदमी आते हैं, सफाई करते हैं, कोई मतलब ये दादा इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा है। पीछे आप गंदगी देखोगे, आप खुद बोलोगे ये क्या सिस्टम है यहाँ का। यहाँ तो आते हैं बस पीछे लोग हटा, ये बोलते हैं पीछे लोग, यहाँ देखो इधर आओ, यहाँ देखो, ये गंदगी इतनी दूर लगे होते हैं, आज इतने सालों में पीछे करवाया है।